जिनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है, हास्य का अपना एक अलग अंदाज का अनूठा हस्ताक्षर है, टुंडला की धरती से जिनको पूरी दुनिया में लठूरी लठ के नाम से जाना जाता है, हास्य के एक ऐसे विस्फोटक कवि, हास्य के परमाणु बम भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, चार पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ता हूं और बिना किसी भूमिका के, क्योंकि ये वो कवि हैं जिनके लिए कोई भूमिका की आवश्यकता नहीं है, चार पंक्तियां आदरणीय लठूरी लठ जी के सम्मान में पढ़ता हूं और उन्हें आप लोगों के बीच में आमंत्रित करता हूं कि कि पलट कर रख दे जो बाजी, उछलना सिक्का बाकी है, कि पलट कर रख दे जो बाजी, उछलना सिक्का बाकी है, करे चारों ही खाने चित, अभी वो मुक्का बाकी है, और दिखाया अब तलक जो भी था वो सब खेल बच्चों का, बचाकर हमने जो रखा तुरुप का इक्का बाकी है। तो जोरदार तालियों से आवाज दीजिए बड़े भाई लठूरी लठ जी। प्रणाम करता हूं आप सबको, आने वाली होली की शुभकामनाएं भी देता हूं। आप भी भाई साहब बैठ जाइएगा, जो लोग खड़े हुए हैं बाहर खड़े हुए हैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि वो भी कोई निकल लें या नहीं, अंदर नहीं। आ जाएं, एक काम कर लें हाँ, खड़े होने से कोई फायदा नहीं है, भगवान ने आपको खड़े होने के लिए पैर दिए हैं, खाने के लिए मुंह दिया है, तो बैठने के लिए कुछ न कुछ तो दिया ही है उसका भी प्रयोग करना चाहिए, वरना डार्विन का सिद्धांत हमको ये समझाता है कि हम शरीर के जिस अंग का प्रयोग नहीं करते वो धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। बस आप इसी तरह से हंसते रहिएगा, खिलखिलाते रहिएगा, आपके दांत मुझे दिखाई देते रहेंगे तो मैं ऐसा महसूस करता रहूंगा जैसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हूं और आप लोगों के दांत मेरे लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर का काम कर रहे हैं। आप बस थोड़ा सा मैं आपके साथ हंसना चाहता हूं, जीवन में हंसना बहुत मुश्किल का काम हो गया बाबूजी, रुलाना तो आसान हो गया है, पिछले एक सप्ताह से दिल्ली रो रही है। चंद गद्दारों ने, चंद सरफिरों ने पूरी दिल्ली नहीं पूरी देश को रुला दिया है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। कितनी देर लगती है रुलाने में, जमाने लग जाते हैं हंसाने में। वाह 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 वाह। 18वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो हंसते हैं, अर्जुन सुन ले, जो हंसते हैं कभी स्वर्ग नहीं जाते, जो हंसते हैं कभी स्वर्ग नहीं जाते, बल्कि जो वो जहां भी होते हैं स्वर्ग बना लेते हैं। वाह 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 वाह। घर से मंदिर है बहुत दूर, आओ कुछ यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। क्या बात, क्या बात, वाह वाह। हंसाने का काम पूजा की तरह करता हूं, मेरे साथ हंस लीजिएगा, ये क्षण जीवन में बहुत मुश्किल से मिलते हैं। संबंधों के आंगन में तबा, अब दिल से दिल की दूरी है और इस पेट की खातिर पग पग लड़ना, खींच लो भाई रामलीला पे रावण दहन के काम आएगा हाँ, में असल में क्या है, डिजिटल फोटोग्राफी का जमाना है। डिजिटल फोटोग्राफी में कई बार होता क्या है, ऊपर का हिस्सा किसी का और नीचे का किसी का। उदाहरण के लिए ऊपर ऊपर लटूरी लठ और नीचे नीचे आलिया भट्ट। कपड़े उतारे वो और सत्यानाश हो जाए मेरा। इसलिए फोटोग्राफरों से मैं सावधान रहता हूँ, भाई साहब आगे आ जाओ, अब मेरा फोटो खींचना भी मत। मैं फोटोग्राफरों से बहुत प्रिकॉशन लेता हूँ, ईमानदारी से फोटो खींच लेते हैं और अखबार वाले बगल में बैठा लिए हैं, ये अखबारों में छाप देते हैं, अखबार वाले तो छाप ही देते ना फोटो को। अच्छा फोटो अखबार में बाबूजी छपे तो कितने गौरव की बात होती है, अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा ही लगता होगा जब अखबार में फोटो छपता है, लेकिन कष्ट तब होता है जब लोग अखबार पढ़ने के बाद रद्दी के भाव बेच देते हैं। यहाँ कष्ट समाप्त नहीं होता, रद्दी के भाव बेच जाता, आम के आम गुठलियों के दाम, अखबार पढ़ा और पैसे भी बन गए, लेकिन कष्ट और ज्यादा तब बढ़ता है जब उस रद्दी को हलवाई ले जाए और हलवाई उस पर रख के जलेबी समोसे बेच दे, फिर जलेबी समोसा खाने वाला प्यार से जलेबी समोसे तो खाए और अखबार के टुकड़े को सड़क पे फेंक दे, फिर कोई कुत्ता आए, फिर
फिर अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसमें हंसने की बात नहीं है, लेकिन कई बार, एक बार मैं बताऊं बाबूजी, बहुत बहुत बिल्कुल ही जीता जागता संस्मरण है मेरा। उस दिन लगा के अखबार में फोटो छपना भी बहुत गौरव की बात होती है। ये मुझे पुष्कर में जाके पता चला। पुष्कर में गधों का मेला लगता है और कवि सम्मेलन भी होता है उसमें। आदरणीय सलम माहेश्वरी साहब को प्रणाम करता हूँ, सुरेश माहेश्वरी साहब को भी अतिरिक्त प्रणाम करता हूँ। गौरी शंकर भैया हमारे बीच में नहीं रहे। वो जहां भी हो भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। चलिए सर, बस आनंद लीजिएगा। मैं छोटी छोटी बातों से बस इसी तरह से हंसाने की कोशिश वर करूंगा। तब मुझे लगा कि फोटो अखबार में छपना गौरव की बात क्यों होती है, ये इसका कारण मैं बताना चाहता हूं। पुष्कर में जो मेला लगता है उसमें अंग्रेज बहुत आते हैं। अखबार पर फोटो मेरा छप गया था, हलवाई भी खरीद ले गया था, और हलवाई ने एक अंग्रेजिन को रख के उस पर जलेबी बेच दी जिस पर मेरा फोटो छपा था। अंग्रेजिन, ये मान के चलो ट्रंप के साथ दो तीन महिलाएं आई थी। वो अंग्रेजिन है जो है, अब जलेबी खाने का अपना तरीका अलग होता है। जलेबी खाने के बाद मेरे फोटो पे लग गई थी चाशनी। अब वो अंग्रेज ने कोनी मार के अपने बाप से पूछा इसको कैसे खाते हैं, तो उसने कह दिया फोटो मेरा। कितना आनंद आया होगा ये मैं ही महसूस कर सकता। उस दिन लगा के अखबार में फोटो छपना भी गौरव की बात होती है। आनंद तो सर बाबूजी हर जगह बिखरा पड़ा है। बस आप देखिए, मैं बीच बीच में छोटी छोटी बातें भी करता रहूंगा। मैं सर इसलिए ये बातें कर रहा हूँ, आप आनंद लो। आनंद के अतिरिक्त तो कुछ नहीं, मैं केवल आनंद के साथ जीना चाहता हूँ। कभी भी कवियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कोई कवि कब ढंग की बात कहे ये कवि को खुद पता नहीं होती है। बाबूजी मैं प्रैक्टिकल अनुभव बताता हूँ आपको। कोई कवि कब ढंग की बात कह जाए, चाहे वो हास्य का कवि हो, चाहे व्यंग का हो, चाहे गीतकार हो, कोई कवि कभी भी ढंग की बात कह सकता है। जैसे बाबा तुलसीदास ने 600 साल पहले एक ढंग की बात कही थी, वो आज आकर के सिद्ध हुई। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर है पारा। बाबा तुलसीदास 600 साल पहले जानते थे कि कलयुग में आदमी की पहचान आधार कार्ड से होगी। कलयुग केवल नाम अधारा, यानी आधार नहीं होगा तो फिर आपके पास कुछ नहीं होगा। कलयुग केवल नाम अधारा, समझ। अच्छा, कोई बात हमें इसलिए भी नहीं मान लेनी चाहिए, मैं इस बात का भी विरोध करता हूं सर। सर आपकी पार्टी अब बीजेपी से है ना सर, आपकी बात पौराणिक प्रसंगों को लेकर के बीजेपी पार्टी ज्यादा कुछ चर्चाएं करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पौराणिक बातें सभी सिद्ध सत्य हो जाती हो। मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा है, नहीं न छिद्दंत शस्त्रान, नहीं न दहते पावक, न किले दिंत तापो, न सोशियत मारुत है। ये श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा 5600 साल पहले। हे अर्जुन, आत्मा अजर अमर है, शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती, केवल शरीर मरता है, आत्मा तो हमेशा हमेशा रहती है। लेकिन जिस दिन मोदी जी ने नोट बंद किए थे उस दिन शरीर जिंदा थे। तालियां बजा दो सर आप एक बार जोरदार। सर मैं बहुत लंबी चौड़ी कविताएं नहीं करता हूं, थॉट है मेरे पास, विचार है, मैं विचार आपको पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मेरा विचार आपके मन से जुड़ जाए और आपको लगे कि मैं कोई ढंग की बात कह रहा हूं, तो बस आशीष में आपके पास मुझे तालियां देने के अलावा अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। बस आपकी तालियां हमारे लिए बिल्कुल डेकाड्रोन के इंजेक्शन की तरह काम करती हैं। या ये कह दूं कि जो काम बाबा राम रहीम के लिए हनीप्रीत करती थी वही काम आपकी तालियां हमारे लिए करती हैं। हाँ, तो अब मुझको
बाबा राम रहीम समझते रहना, लेकिन खुद को हनी प्रीत मत समझना, वरना मैं संकट में फंस जाऊंगा। हाँ सर, बस देखिए हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। आदमी और जानवर में बाबूजी इतना ही तो फर्क है, आदमी हंस सकता है, कभी जानवर को कभी आपने हंसते हुए नहीं देखा होगा। ये बात अलग है कि अगर कोई हंसने की बात हो और उसे सुनकर कोई कोई जानवर हंसने की कोशिश कर रहा हो तो समझ लो कि उसमें आदमी होने के लक्षण पैदा हो रहे हैं। भैया मैं मुश्किल से 10 मिनट का मेहमान हूं। नहीं 10 मिनट का मेहमान हूं, उसके बाद में तो लटूरी लट हो जाऊंगा। नहीं आप क्या समझ रहे थे कि मैं ऊपर चला जाऊंगा ऐसी बरसात में? ना मैं ना जाऊंगा इतनी बरसात। हाँ अच्छा, जो लोग चले गए मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, ये कुर्सियां सब भरी पड़ी थी। ईमानदारी से बाबूजी बता रहा हूं, वही लोग चले गए जिनको अपने घरों के ऊपर भरोसा नहीं था, या वो चले गए जिनके पड़ोसी पहले चले गए थे। मैं उन्हें श्राप देता हूं, जिस मकसद के लिए गए उसमें कामयाब नहीं होंगे। आज की रात उनके नेटवर्क मिले ही नहीं। अरे इतने ठाके जोड़ करके चले गए। सर मैं तब कहना चाहता हूं, हंसने का सौभाग्य हर किसी को मिलता नहीं है। सर समझना मेरी बात को, हंसने का सौभाग्य हर किसी को मिलता नहीं है, वही लोग चले गए जो दुर्भाग्यशाली है। कुछ सरफिरों का तो यह फूटा नसीब है, कुछ सरफिरों का तो यह फूटा नसीब है, चेहरे पर मुस्कान नहीं तो समझ लेना गरीब है। हंसने हंसाने पर कैसी बंदिश है, अरे हंसता तो वो है जो प्रभु के करीब है। हंसता तो वो है जो प्रभु के करीब है। बिना परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा के सर एक क्षण भी में हमको हंसने हंसाने का नहीं मिल सकता। लंबी चौड़ी बातें नहीं वो करनी पड़ती कविता में, कविता बहुत कम शब्दों में हो जाती है। अब ज्यादा हलो हलो मत करो, कोई आवश्यकता नहीं है हलो की। अब तो हलना है तो बस मुझे ही हलना है, तो पब्लिक को हलाने की बात मत करो भाई। हाँ वरना मुझे, हाँ मैं मेले खेलो वाली। अच्छा अच्छा सर आप कर रहे हो, अरे सर ना है महान वान का चुना तू नहीं बिल्कुल। और आप इसके बाद में कमेंट मत करना, जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ मैं उसे आगे बोल नहीं पाऊंगा। आपने जो कविता सुनाई है गौरी शंकर जी के बारे में, जो कहा कि वो तुम्हें उसमें एक दो लाइन आपको सुना रहा। अच्छा और आप जैसे भी महान कवि थे जहाँ मैंने सुना था, मेरी अपनी नहीं है। नहीं मैं धीरे, मैं धीरे, धीरे धीरे जाओ अपने घर को जाने वाले, एक रात में दो दो आनंद उठाने वाले, इतनी कहना तो आपने तो समझ गया मैं। आप उनके ही दोस्त हो। नहीं खग जाने खगई की भाषा। सर मैंने कहा ना मैं कोई कमेंट आपका नहीं सुनूंगा, वजह क्या है कि मैं तो यहाँ हर घर में तो तुमका कासगंज के फूफा हो का? अगर आपको रोटी खानी है तो हमारी बदौलती मिलेगी। चलिए सर ये मैं निश्चित ठीक है। असल में मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि इस तरह से, इसलिए आपको ठीक है। मंजुल भैया इनको माइक छिनाओ। ये तो डायरेक्ट हमारे पेट पे लात मार रहे हैं। एक कवि और बढ़ जाएगा, लेकिन एक बाबूजी बात और मैं बताऊं आपको। हास्य रस का कवि जब ऊपर मंच पे खड़ा हो तो उसे नीचे से कभी मत छेड़ो। हाँ जब मैं ऊपर से बोल रहा हूं तो तुम नीचे से फिर क्यों बोल रहे हो? बस आनंद लो आप। लेकिन चूंकि अच्छा एक बात और बताऊं आपको, इस तरह से आप अगर बात करते रहेंगे तो ये हास्यरस के कवि की चमचागिरी कहलाएगी। क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं जिसका मैं हास्य में उत्तर दे नहीं सकता। सर
ठीक, मेरा कहने का मतलब यह है, दो चार पंक्तियां आपके सम्मान में मैं जरूर पढ़ूंगा। नहीं नहीं बाबू जी, केवल मनोरंजन, मनोरंजन मेरा उद्देश्य है, आपका आनंद उद्देश्य है मेरा सर। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ नहीं, ठीक नहीं, नहीं। ये तो बाबू जी आपने पड़ी लकड़ी उठा ली, और लकड़ी नहीं है तो पूरा लठ उठा लिया। वर यार, पर वो भी लटूरी लठ। लेकिन नहीं नहीं, नहीं बाबू, लेकिन ये दुर्भाग्य नहीं है बाबूजी, मैं जानता हूं श्रोता और वक्ता का तुलातुल्य नाता है, श्रोता और वक्ता का तुलातुल्य नाता है। जो पल्ला नीचा होता है, जो पल्ला भारी होता है, नीचा हो जाता है। क्या बात, वाह वाह वाह, आप बहुत भारी हैं ईमानदारी से बाबूजी। मेरी आंखों में आज आंसू हैं। मैं यकीनन मेरी बात को महसूस करना, मैं एक बहुत ही बाबूजी कायदे की बात करना चाहता हूं। मेरी आंखों में आंसू इसलिए हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं रात को 11:30 बजे 6 घंटे की कार से यात्रा की, उसके बाद 6 घंटे मैंने बस में यात्रा की, और उसके बाद 8:30-9 बजे जब मैं सिकुआबाद पे था और मैं वचनबद्ध था, तो आदरणीय सलभ भारती जी ने मुझे, मेरे जैसे बौने आदमी को सिकुआबाद से कार से मंगवाया। तो मुझे लगा कि अगर आप जैसे लोग नहीं होते तो हम कवियों का मान कौन रखता। बहुत अच्छे, और अभिभूत तब हुआ कि आपका, हमारा एक बहुत बड़ा कवि जो हास्य का बहुत बड़ा कवि है, सबरस मुरसानी कासगंज में अक्सर आता रहता है, वो आज घायल हो गया, और उसको भी गंतव्य तक पहुंचाने के लिए आदरणीय सलभ जी ने कार की व्यवस्था कर दी। हम कवि, ये आपका स्नेह है। हम आज पैसे के लिए नहीं आए बाबूजी, ईमानदारी से बहुत मोटे मोटे लिफाफे ले लेते हैं, हम महानगरों में जाते हैं, लेकिन वहाँ बाबूजी धन कविता सुनता है, लेकिन आप लोगों के बीच में ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे मन कविता सुन। बिल्कुल सच्ची बात, बिल्कुल सच्ची आप बात। जैसा बड़ा आदमी, ये केवल मस्ती और आनंद की बातें हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप जैसे बड़े लोगों की वजह से हिंदी जिंदा है। हिंदी जिंदा है तो संस्कृति जिंदा है, संस्कृति संस्कार जिंदे हैं। बाबूजी सबसे ज्यादा हमला हो रहा है आपकी हिंदी पर, वो तो आप जैसे बड़े लोग हैं जो हिंदी को बचाए हुए हैं। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि अगर हिंदी नहीं रही तो हिंदू भी नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और हिंदू नहीं रहा तो ये हिंदुस्तान भी नहीं रहेगा। क्या बात, वाह 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 वाह। सबसे ज्यादा हमला है हिंदी के ऊपर। आज आप अपने छोटे बच्चे को, छोटे नाती को, छोटे पोते को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, मैं जानता हूँ अंग्रेजी आज बहुत आवश्यक भाषा हो गई है, लेकिन ये भी मान लो आप, अंग्रेजी भले ही बहुत आवश्यक भाषा हो, लेकिन कंप्यूटर ने ये सिद्ध कर दिया है कि टंकड़ की सबसे श्रेष्ठ भाषा हिंदी और संस्कृत है। और हम अंग्रेजी के पीछे क्यों पड़े हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता बाबू जी। जो भाषा ए फॉर एप्पल से शुरू होती हो और जेड फॉर जेब्रा तक की यात्रा करा देती हो, यानी कि फल से चलती है और जानवर तक की यात्रा करा देती है, वो भाषा होती है अंग्रेजी। लेकिन मेरी भाषा हिंदी है, जो आ फॉर अज्ञानी से शुरू होती है और ज्ञा फॉर ज्ञानी तक की यात्रा करा देती है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आ फॉर अज्ञानी से शुरू होती है और ज्ञा फॉर ज्ञानी तक की यात्रा करा देती है। लेकिन सबसे बड़ा संकट है इस हिंदी पर। आप ये जो अखबारों में जो खबर पढ़ते हैं, आप 3 साल की बेटी के साथ दरिंदगी, 6 साल की बेटी के साथ दरिंदगी, 5 साल की बेटी के साथ दरिंदगी, दामिनी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके साथ, उन नालायकों को अब तक फांसी की सजाएं सरकार नहीं दे पाई, इससे ज्यादा और घृणित कार्य क्या हो सकता है। और ये सब भाषा के अभाव में हो रहा है, और सबसे सर्वनाश कर दिया इस भाषा का एंड्रॉइड मोबाइल ने। एंड्रॉइड मोबाइल ने क्या दुर्गति कर दिया इस भाषा की। मैं छोटी छोटी टिप्पणियों से हंसते हंसाते बात कहना चाहता हूं, मैं लंबी 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 चौड़ी बातें नहीं करता, लेकिन बात आपके मन और मस्तिष्क तक पहुंचाना चाहता हूं। हिंदी का सबसे बड़ा नुकसान किया है इस एंड्रॉइड मोबाइल ने, छोटे छोटे बच्चों तक की भाषा बिगाड़ दी है इसने। पिछले दिनों 9 साल का छोटा बेटा मुझसे कहने लगा, पापा स्कूल में नई मैडम आई है ना, बहुत हॉट है। ये भाषा कर दी है सर, मैं सही बता रहा हूं आपको, शर्म कर्म ठोंकने का मन करता है। 9 साल का बेटा कह रहा है स्कूल में नई मैडम आई है, बहुत हॉट है, सी इज वेरी हॉट। अरे मैंने कहा चुप,
टीचर माँ के समान होती है, चुप हो जा, तो पलट के मुझसे ही कहने लगा आप चुप हो जाओ, हमेशा अपनी जुगाड़ में ही रहते हो। इस बात पर मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने बाप होने का अधिकार प्रयोग किया। बाप होने का अधिकार तो बाबूजी आप जानते ही होंगे, जानते हैं ना, बच्चों को कूटना है की जरूरत नहीं है, बच्चों को कूटे नहीं तो हमको भ्रम होता है कि हम इनके बाप हैं भी कि नहीं। ये अधिकार केवल हिंदुस्तान में शेष रह गए बच्चों को पीटने वाला, दुनिया के किसी भी देश में आप बच्चों को नहीं पीट सकते। मैंने पिछले दिनों अखबार में एक समाचार पढ़ा कि जर्मन के एक माता पिता ने अपने बेटे को पीटने के चक्कर में 18 महीने की सजा काटी, तब जाकर मुझे विश्वास हुआ कि मेरे जो कुछ मित्र विदेश में रहते हैं हर साल हिंदुस्तान बच्चों को लेकर क्यों आते हैं कि चलो इनको वहां जाकर कूट लेंगे। फिर कुछ लोग हवाई अड्डे पर ही शुरू हो जाते हैं, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे देख जनादन। तो मैंने भी बेटे को चांटा मार दिया, जैसे ही मैंने बेटे को चांटा दिया तो पलट के मुझे पूछने बैठ गया कि आपके पापा आपको ऐसे ही पीटते थे? हम इनके ऐसे ही पीटते थे। अच्छा फिर तो उनके भी पीटते होंगे? हम इनकी पीटते ही होंगे। अच्छा उनके भी पीटते होंगे? अबे मैं इनकी पीटते ही होंगे। तू क्या जानना चाहता है? कि मैं तो ये जानना चाहता हूं ये गुंडागर्दी अपने खानदान में कब से चली आ रही है। सर मैं बात कर रहा हूं छोटे छोटे बच्चों की, यकीन यकीन मानना आप, मैं तो ऑलरेडी एक ऐसे बेटे का बाप हूं जो एक एक क्लास में तीन तीन बार मॉनिटर रहता है, इतने विद्वान बेटे का बाप हूं मैं सर। एक एक क्लास में तीन तीन बार मॉनिटर। पिछले दिनों छमाई की परीक्षा में फेल हो गया तो बाप होने की वजह से मैंने उसे डांट दिया, मैंने कि सुन मैं छमाई की परीक्षा में फेल हो गया मैंने बर्दाश्त कर लिया, अगर सालाना के इम्तिहान में भी फेल हुआ ना तो मुझको पापा कहने की जरूरत नहीं है। जब वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट लेकर के आया तो मैंने उसे पूछा भी, तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? तो सर को खुजलाते हुए कहने लगा रहने दे लटूरी यार तेरे बाप होने का अधिकार समाप्त हो गया। सर आनंद तो बिखरा पड़ा है। एक संस्मरण और सुनाता हूं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की अपने उत्तर प्रदेश में सरकार है, दो साल पहले सरकार बनी थी, आप सब लोग जानते हैं दो साल पहले सरकार बनी थी, आदरणीय सरब साहब बनी थी ना, बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई थी, तो उन्होंने सबसे पहले हमला बोर्ड की परीक्षाओं पर कर दिया, नकल विहीन परीक्षा होगी। किया था ना सर, अखबार में यह भी पढ़ा होगा 11 लाख परीक्षार्थी परीक्षा छोड़ के भाग गए। पिछली सरकारों ने शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा कर दिया था, 11 लाख परीक्षार्थियों को जो नकल के सारे पास होना चाहते थे परीक्षा छोड़ करके भाग गए। मेरे बेटे ने भी 10+2 इंटर की परीक्षा दी थी, रिजल्ट बहुत जल्दी डिक्लेयर कर दिया था। आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र तो बहुत बड़े प्रोफेसर है, रिजल्ट बहुत जल्दी डिक्लेयर कर दिया था। जिस दिन रिजल्ट आने को था उसी दिन घर पे मेहमान आने को थे, तो मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने देख भाई तेरा रिजल्ट आ रहा है, घर पे रिश्तेदार आ रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो जाए, नकल भी इन परीक्षा हुई है तो रिश्तेदारों के ही सामने ये मत कह देना मैं फेल हो गया, मेरी नाक कट जाएगी, मेरी क्या पूरे खानदान की नाक कट जाएगी, रिश्तेदारों के सामने ये मत कहना, बस कोट वर्ड सेट कर लेते हैं, अगर एक विषय में फेल हो जाए तो बस ये कह देना बोल बजरंग बली की जय, मैं समझ जाऊंगा एक विषय में फेल, दो विषय में फेल हो जाए तो ये कह देना बोल सियावर राम चंद्र की जय, दो विषय में फेल, और भाई की तीन विषय में भी फेल हो तो बेटा फेल शब्द को जुबान पर मत लाना, बस ये कह देना बोल ब्रह्मा विष्णु महेश की जय, मैं समझ जाऊंगा तू तीन विषय में फेल हो गया। 12 बजे के करीब रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, नेट पे देख करके सूचना देने के लिए मेरे पास आ ही रहा था, भाई साहब मुझे फिर भी भ्रम हुआ कि कुछ गड़बड़ न कर दे, रिश्तेदारों के सामने नाक कट जाए, तो मैंने उसे दूर से ही इशारे से पूछा, अब आप ठाके के लिए तैयार रहना, मैंने दूर से ही उसे इशारे से पूछा रे तेरे रिजल्ट का क्या हुआ, तो दोनों हाथ उठाकर बोला बोल साचे दरबार की जय। आप समझ गए उसके रिजल्ट का क्या हुआ, तो एक बार जोरदार तालियां बजा करके मुझे बता दो कि मैं समझ गए। सर हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उधर तो वो भाई साहब बैठे हुए हैं मेरे बिल्कुल सारू भाई लग रहे हैं। सर मैं गंजेपन की बात कर रहा हूं, बिल्कुल सारू भाई लग रहे हैं। सारू भाई का मतलब आप जानते ही होंगे, एक ही कंपनी के द्वारा ठगे गए दो ग्राहक, इट मीन सारू भाई। अच्छा आदमी के जीवन में केवल दो ही महिलाएं सर पे हाथ फेरा सकती हैं, या तो मां फेरा सकती है या पत्नी फेरा सकती है। मां हाथ फेराती है तो बाल बढ़ते हैं, पत्नी फेराती है तो मामला ऐसा हो जाता है। उधर भाई साहब को देखकर ऐसा लग रहा जैसे पूरे मोहल्ले ने फेरा दिया होगा।
तुम तो अपने बगल वाले को समझो। मतलब पड़ोस में ही जब आइटम उपलब्ध है तो इधर उधर क्यों झांक रहे हैं? वो तो मैंने उनका बहाना ले लिया है, भाई साहब आप चिंता मत करो, हम गंजे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सुबह सुबह मुंह धोएं तो पता नहीं चलता कहां तक धो लें। लेकिन शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, जितने भी मेरे साढ़ू भाई हैं उनको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि अच्छी फसल वहीं पैदा होती है जहां गोबर की खाद ज्यादा होती है। और कोई ऐसे ही थोड़े गंजा हो जाता है। भाई साहब सुनना, मैं अपना अपना रोना रोता हूं आपके सामने। बाबूजी एक ईमानदारी से बात बताना, जब हम कक्षा 6 या 7 में, मतलब हम प्राइमरी अपर प्राइमरी में जब पढ़ रहे होते हैं तो जरूर हमारे मन में कुछ सपने होते हैं कि मैं IAS बन जाऊंगा, PCS बन जाऊंगा, IPS बन जाऊंगा। सलब साहब होते ना, ऐसे सपने हम देखा करते हैं, कोई डॉक्टर बनने का सपना देखता है, कोई कोई फौज में भर्ती होने का सपना देखता है, कोई राजनीति में आने का सपना देखता है। लेकिन बाबूजी जब मैं कक्षा 7 में पढ़ता था और किसी गंजे को देखता था तो मेरे मुंह में पानी आता था और मैं ये सोचता था कि आखिर मैं गंजा कब बनूंगा। ये मेरे बाल मन की भोलेपन की इच्छा थी, भगवान ने जल्दी सुन ली, जवानी में ही गंजा हो गया। आपसे ये बात छुपाऊंगा ही नहीं कि मैं तो शादी से पहले भी गंजा ही था। शादी वाले आना शुरू हो गए थे, शादी वाले आते हैं तो घर के बुजुर्गों से मिलते हैं, दादा से मिलते हैं, पिताजी से मिलते हैं, ताऊ से मिलते हैं, वो भी अक्सर ताऊ से चाचा से उनसे मिलते थे। लेकिन कई बार बाबूजी कष्ट बढ़ जाता था कि जब कुछ लड़की वाले मेरे ही सामने आते और हाथ जोड़कर मुझे ही पूछते, लड़का कहाँ है? अब मैं उनसे कैसे कहता कि मैं ही हूं? उस समय मेरे ऊपर क्या गुजरती होगी, ये तो मैं ही महसूस कर सकता हूं। जाके पायल फटी भिवाई, सोखा जाने पीर पड़ाई, मुझसे ही पूछते कि लड़का कहाँ है, अब मैं उनसे कैसे बताता कि मैं ही हूं? लेकिन साहब एक लड़की वाले आए, पिताजी से मिले, पिताजी को उन्होंने साफ साफ बता दिया, देखो भाई, पिताजी ने साफ साफ बता दिया, देखो भाई शादी भले ही कर दो लेकिन लड़का सर से गंजा है। तो लड़की वालों ने भी कह दिया, कोई बात नहीं, तुम्हारा लड़का सर से गंजा है, हमारी लड़की दिमाग से गंजी है। तो बात बन गई, बात बन गई। वो 100-100 रुपये दिए ताऊ जी को और दादाजी को, सबको, दादी के लिए सबको 100-100 रुपये दे गए। बात तय हो गई, लगन की तिथि तय हो गई कि उस दिन लगन लेकर के आएंगे। बाबूजी लगन आ जाती है, आप तो लगन के नेता हो तो लगन के वगैरह के समारोह में जाते ही आते रहते हो गए। लगन जब आती है तो वो लड़के को दूल्हा बना करके चौकी पर बैठा दिया जाता है, ये सब पारिवारिक है तो आप सब लोग जानते हैं। लड़की वाले बैठ जाते हैं सजे धजे, उधर लड़के वाले बैठ जाते हैं, घराती बराती सब बैठे होते हैं और घर की महिलाएं ढोलक लेकर के बैठ जाती हैं, पर्दा वर्दा डाल के, और फिर गीत गाती हैं। लेकिन वहाँ दृश्य अलग है, मैं दूल्हा बना बैठा हूँ, लड़की वाले बैठे हैं, लड़के वाले बैठे हैं, घर की महिलाएं पर्दे के पीछे बैठी हैं, ढोलक बजने की आवाज़ आ रही है, लेकिन कोई महिला गीत नहीं गा रही है, कोई महिला गीत नहीं गा रही है। असल में बहन जी उस समय जो गीत गाया जाता है आप अच्छी तरह से जानती हैं, रघुनंदन फूले न समाए लगन आई, हरे हरे लगन। अरे ताली बजा लो, ये गीत अब सुनने को मिलते कहाँ है? मेरे जो होम में चाई माई होती हैं, अब तो होमड नहीं होते सर, सही बता रहा हूँ मैं आपको, शादियाँ होती नहीं है, अब चाई माई होती हैं, मैं सही बता रहा हूँ, 24 घंटे में काम खत्म। समस्या सर इस बात की है कि हम एक मोदी के सहारे इस देश को छोड़ देना चाहते हैं, एक अन्ना के सहारे हम इस देश को छोड़ देना चाहते हैं। घर घर में मोदी पैदा करने पड़ेंगे, कभी स्वच्छता अभियान सफल नहीं हो सकता। बाबूजी सुन लेना, जब तक आप मूंगफली के छिलके बसों में डालना बंद नहीं करेंगे। आप अपनी सब्जी के छिलके गलियों में डालना बंद नहीं करेंगे। आप खुले में शौच जाना बंद नहीं करेंगे। यह स्वच्छता अभियान कभी सफल नहीं हो सकता। एक मोदी कर लेगा पूरे हिंदुस्तान को स्वच्छ, एक अन्ना इस देश को कर देगा शुद्ध। 4 पंक्तियां सुनना, मैंने कहीं स्याही सूख गई पेनों की तो कोरे पन्ना क्या कर लेंगे, स्याही सूख गई पेनों की तो कोरे पन्ना क्या कर लेंगे, दूध भैंस सब यहां बिकाऊ तो टंगे पसन्ना क्या कर लेंगे। अब भ्रष्टाचार के सभी किलों पर हमने झंडे गाड़ लिए, नस नस डूबी भ्रष्टाचार में तो बूढ़े अन्ना क्या कर लेंगे। नस नस डूबी भ्रष्टाचार में तो बूढ़े अन्ना क्या कर लेंगे।
नस नस डूबी भ्रष्टाचार में, तो बूढ़े अन्ना क्या कर लेंगे। हम खुद को एक एक मोदी बनना पड़ेगा सर। हम मेरा मानना ये है कि जब हम सब बदलेंगे तब देश बदलेगा। किसी एक प्रवचन से देश नहीं बदल सकता, आचरण से देश बदलता है। आप आचरण शुद्ध नहीं करना चाहते सर। मैं असल में कई बार तो मेरे पास अंदर आग रहती है जिस आग को मैं शेयर करना चाहता हूं। मैं चैतन्यता का कवि हूं, मैं हास्य का कवि नहीं हूं, मैं टिप्पणियों का कवि हूं, मैं लोगों के मन को बदलने की कोशिश करता हूं। आप अपने मनों को बदलिए तो ये देश अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। हम सब बदलेंगे तो फिर युग बदलेगा। वरना हम जहां से चले थे और वहीं आ गए। सर मैं ठीक कह रहा हूं ना? अब एक कविता सुना दूं मैं आपको, समय ज्यादा हो गया है। सर बस एक कविता सुना देता हूं मैं आपको। सुनाओ दद्दू। अच्छा, सर मैं प्रणाम करता हूं आपको, फूफा मान करके प्रणाम कर रहा हूं। बाबूजी बस मैं जिस कविता के लिए आपको रोक के बैठा था, जी तो मैंने अभी तबला ठोको है। जितना बड़ा संगीतकार होता है। हाँ हाँ हाँ। सर मैं ईमानदारी से बात करता हूँ, मैंने ये घोषणा जो है दिल्ली में जब चुनाव हो रहा था अभी, मैंने उस समय नेताओं के बयान भाषणों को सुनकर के मैंने चार पंक्तियाँ लिखी एक महीना पहले, और सिद्ध हो गई वो पंक्तियाँ। कवि के पास दृष्टि होती है जो वो देख सकता है, सामान्य व्यक्ति नहीं देख सकता। मैंने जो देखा था उस समय राजनीतिक जो द्वंद्व हुआ, आपको भी कहीं लग रहा होगा, एक बार को हम अपने आप को पार्टियों से अलग करके देखें, विचार करके देखें, तो मुझे लगा आज जो राजनीति में लोग आ रहे हैं, चरित्र नहीं आ रहे हैं, चलचित्र आ रहे हैं। चरित्र तो गायब ही होते चले जा रहे हैं। आप पैसा कमा लो किसी भी तरीके से, पार्टी आपको टिकट दे देगी, नहीं दे देगी तो आपको नॉमिनेट कर देगी, विधान परिषद या राज्यसभा में भेज देगी, बशर्ते आपके पास पैसा होना चाहिए। तब ये पंक्तियां सुनना आप। कपटी क्रूर क्रोधी कामी सिद्धों को देख रहा हूं, कपटी क्रूर क्रोधी कामी सिद्धों को देख रहा हूं, राजनीति की गलियों में अब प्रसिद्धों को देख रहा हूं, लोकतंत्र की लाश पड़ी है संसद के चौवारे में, मैं आसमान में मडराते गिद्धों को देख रहा हूं। कवि को जिंदा चाहिए अपना अगर वजूद, सदा छाछ को छाछ लिख और दूध को दूध। बहुत बढ़िया। कभी अगर ठकुर स्वाति कहने लगेगा उस राज्य का जल्दी ही नाश हो जाएगा, ये शास्त्रों उचित बात है सर। मैं कहता हूं सर एक कविता, तमाम विषयों पर आपने कविताएं सुनी है। पिछले दिनों सुरेंद्र शर्मा जी की उपस्थिति में जब मैंने ये कविता पढ़ी, ईमानदारी से आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र सिंह, आदरणीय पवन बाथम सर, उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 दशक में इतनी अच्छी एक हास्य की कविता मंचों पर आई है। मैं उस कविता को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तमाम विषयों पर आप कविताएं, या मैं जानता हूं कि बड़े बड़े कवि सम्मेलन आप जिसको भी चाहते हैं उसको बुला लेते हैं। ईमानदारी से आपकी सामर्थ्य इतनी है, बड़े लोग हैं सब, माहेश्वरी समाज तो पूरे एक माहेश्वरी काफी होता है सर। मैं आपको यहाँ तो 2-2 माहेश्वरी हैं, सुरेश माहेश्वरी साहब, सलभ माहेश्वरी साहब, सबको मैं सर सुनना। तो आपने तमाम कवियों को सुना है, तमाम विषयों पर आपने कविताएं सुनी हैं, बेटी पे कविताएं सुनी हैं, पिता पे कविता सुनी है, माता पे कविता सुनी है, बाबा पे कविता सुनी है, मामा पे, चंदा मामा दूर के मामा पे कविता सुनी है। लेकिन एक ऐसा रिश्ता है जिस पर किसी ने कविता नहीं लिखी, वो रिश्ता है फूफा।
बहन जी आप 5 मिनट बाद चली जाती। अच्छा 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 ठीक ठीक कोई बात नहीं, चलिए आवश्यक कार्य हो सकता है। ठीक सर, ये पति नाम का प्राणी जो होता है वो बेचारा निरीह व्यक्ति होता है सर, बता रहा हूँ उसकी याद कैसे की जाती है। पिछले दिनों मेरी घरवाली चली गई अपने पियर, बाबूजी सुनना थोड़ा सा आनंद लेना, घरवाली चली गई पियर, लौट के नहीं आई 1 महीने तक। जब लौट के आई तो मैंने उसको उलाना दिया, मैंने कि तूने 1 महीने तक अपने पियर में गुजार दिया, कभी मुझको याद किया? मैंने आपको बहुत याद किया। अच्छा मैंने कि सबसे पहले तुझे मेरी कब याद आई? ईमानदारी इतने तो जब रेल में कुली नहीं मिलो तो वो तुम्हारी बहुत याद है। सही बता रहा हूँ आपको बाबूजी, सही बता रहा हूँ आपको। पिछले दिनों इतनी बावली है, इतनी संस्कार थे पिछले दिनों, तो नाश्ता की प्लेट में कछु लेके आई और बोली लट्ठी जी ले डिनर कर ले। अरे मैंने की बावली जो सुबह सुबह खाते हैं उसको ब्रेकफास्ट कहते हैं, रात के खाने को डिनर कहते हैं। तो तपाक से अभी बोली, तपाक से बोली मैंने कौन सा अभी बनाया है, रात का ही है, कर लो। और जी मुझे जो अभी जो आया था ट्रंप का के लिए आया था, मैनेजमेंट के लिए सीखने के लिए तो आया ही था। गुजरात का आदमी का भी मैनेजमेंट देखो, जो है गुजराती ने पूरा देश जत कहते मैनेजमेंट। सर माफ करना, मैं बुराई बुराई मत मानना, लेकिन मैनेजमेंट में दोनों जोगा भोगन को नाम जनवा। अच्छा मोदी जी जैसा आदमी तो है ही नहीं दुनिया में, इतना बढ़िया आदमी। ईमानदारी से बाबूजी, ईमानदारी से आप सोचना महसूस करना, 70 साल में पहली बार हमें जीने लगी कि देश में कोई आदमी प्रधानमंत्री है। पहली बार लगी है कि देश में कोई आदमी प्रधानमंत्री है, वरना 10 साल तक तो हम ऐसे आदमी है झेलते रहे जो बोलता ही नहीं था। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अब ऐसे को झेल लें जो किसी को बोलने ही नहीं देता। सर बहुत गुरु आदमी है, पहली बार प्रधानमंत्री बने तो संसद के पैर छुए छुए ना सर, लोगों को लगा यार ढंग का आदमी प्रधानमंत्री बन गया। अब फिर लाल किले पे जाके भाषण दिया, मित्राओं आई है ना, न खाऊंगा न खाने दूंगा। लोगों को लगा यार आदमी तो ढंग का, खाएगा भी नहीं खाने भी नहीं देगा। फिर गुजरात में जाकर के भाषण दिया, मित्राओं आई है ना, घर घर में शौचालय बनवाऊंगा। मैंने कि मेरे बाप जब खाएगा नहीं खाने भी नहीं देगा, आदमी खाएगा नहीं तो फिर जाएगा नहीं, घर घर में शौचालय का क्या होगा। अच्छा सर पिछली पंचवर्षीय योजनाएं जो थी उसमें 4-5 बहुत अच्छे काम किए भी, सब हास्य व्यंग के कभी की मजबूरी होती है, लोगों को हंसाना पड़ता है, बात कहने का ढंग तक पहुंचना। आप 4-5 बहुत अच्छे काम हो गए थे, जीएसटी में लोगों की केवल यही प्रॉब्लम है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं कहाँ जाए कि जीएसटी को रजिस्ट्रेशन करा, कैसे नए व्यापार शुरू करें, जी एक प्रॉब्लम खड़ी है गई है जीएसटी के नाम पे। लेकिन जब लोगों की समझ में आ जाएगी तब समझ में आएगी कि जीएसटी बहुत अच्छी चीज थी देश के लिए। ठीक है, और एक बात और कहना चाहता हूं, मैं सोचता हूं सर लोग कहते हैं नोटबंदी से कोई फायदा नहीं हुआ, देश का क्या फायदा हुआ, विपक्षी लोग ये तोहमत लगाते हैं बीजेपी पर। सर मैं बात बिल्कुल प्रैक्टिकल करता हूं, ऐसे हवा में बात नहीं करता। विपक्ष के लोग बीजेपी पर नोटबंदी से लोग मर गए, ये हो गया वो हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ। हम जानते हैं नोटबंदी से फायदा हुआ है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भुखमरी के कगार पर पहुंच गई है नोटबंदी से, ये हुआ। बिल्कुल, उससे पहले पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था हमारे नोट और वहां चलते थे, इसलिए वो उछलता था। नहीं वो एक अलग मसले है, मैं उन पर नहीं कह रहा, लेकिन अर्थव्यवस्था आज पाकिस्तान की जाकर के देख लो। हाँ पाकिस्तान की इतनी अब अर्थव्यवस्था है जितने तो हमारे यहाँ के लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल में रिचार्ज करा देते हैं। सर इससे ज्यादा अर्थव्यवस्था नहीं है पाकिस्तान की। हाँ पाकिस्तान कोई, लेकिन जिस सरकार ने मुझे एक ही शिकायत है कि पाकिस्तान को हवा बना के खड़ा कर दिया, पाकिस्तान पिद्दी ने पिद्दी को सोरवा,
जितनी पाकिस्तान की जनसंख्या है उतने तो धीरे धीरे अपनी जेलों में बाबा बंद भेज रहे हैं। सर सही बता रहा हूँ, एक बाबा तो कह दो तेरी सजा माफ तो दूसरे दिन ही पाकिस्तान साफ। जी पाकिस्तान वाकिस्तान का चुना है सर, मैं तो आपको प्रैक्टिकल, तो हम जो चार पांच योजना वही GST नोटबंदी उज्ज्वला योजना ये सब योजनाएं आपके दिमाग में रखना। तीन चार बातें केवल ठाके के लिए कहना चाहता हूँ। GST से शुरू करता हूँ, धंधो नयो करण नहीं दे रहे जी, प्रॉब्लम भैया लोगों ने धंधो नयो शुरू कैसे करें, धंधो नयो करण नहीं दे रहे और रुपया घरे धरन नहीं दे रहे। बैंक में जमा कर दे 2 लाख ज्यादा निकाल ना हो सकते, धंधो नयो करण नहीं दे रहे, धंधो नयो करण नहीं दे रहे और रुपया घरे धरन नहीं दे रहे। और अगली पंक्ति में ठाके को रोक के दिखाना आगे से लेकर पीछे तक के लोग, धंधो नयो करण नहीं दे रहे, रुपया घरे धरन नहीं दे रहे, शौचालय में पानी नहीं है और बाहर हमें करण नहीं दे रहे। धंधो नया करण नहीं दे रहे, रुपया घरे धरन नहीं दे रहे, शौचालय में पानी नहीं है, बाहर हमें करण नहीं दे रहे और गैस सिलेंडर घर घर पहुंचे, चूल्हा घरे जरन नहीं दे रहे। 150 रुपया बढ़ाए दे एक संग। उज्ज्वला योजना में बाबूजी ईमानदारी से बता रहा हूं, जिन लोगों ने सिलेंडर दे दे तुमने वो दोबारा भरवाई ना। चूल्हा घरे बोले तो बताओ अच्छी तरह से दोबारा नहीं आए होंगे भाई साहब जो, हाँ कहू शादी ब्याह में काम आ रहे हैं उनके सिलेंडर। मैं मुझे पता है ना, मैं इसलिए तो मैं का सर्च है, मेरे बगल में भी एजेंसी है वीर सुरेंद्र सिंह यादव की, तो वहां से निकालो मैंने ये बात है ना। गैस सिलेंडर घर घर पहुंचे, चूल्हा घर है जरन नहीं दे रहे और ठाका फिर रोकना जियो की सिम हाथ हाथ में, जियो की सिम हाथ हाथ में और फिर हमें जियन नहीं दे रहे। शौचालय में पानी नहीं है, बाहरों में करण नहीं दे रहे। और जबरन जीवन बीमा कर दो और मान लिया भाई पकड़ो ना को, जबरन जीवन बीमा कर दो फिर ठाके को रोकना अगर बात डंकी हो रही हो तो, जबरन जीवन बीमा कर दो अब ढंगते हमें मरण नहीं दे रहे। शौचालय में पानी नहीं है और बाहर हमें करण नहीं दे रहे। शेर देखिए अपन हंसते हंसाते बात कहते हैं, आप सुन लो कविता में सुना रहा हूं आप, जिससे मैं आपका मन रखने के लिए है, आपको ठाके दिलाने के लिए सुनना सर। मैंने सर फूफा जी पे कविता लिखी क्यों इसको सुनना आप। फूफा जी पे कविता मैंने इसलिए लिखी कि तुलसी सूर कबीरा मीरा, बाबूजी सुनना मैं कविता सुना रहा हूं आपको। मैंने ये फूफा जी पे कविता लिखी क्यों आखिर उसका कारण बताता हूं। तुलसी सूर कबीरा मीरा एक दिन सपने में आई, तुलसी सूर कबीरा मीरा एक दिन सपने में आए, छाती कूटी माथा फोड़ा आंखन में आंसू ले आए, भक्ति भाव के हमने जाने कितने ग्रंथ बनाए, पर जब फूफा जी के ऊपर हम नहीं चारे आंख लिख पाए। इतने बड़े कवि है के फूफा जी पे चार अक्षर नहीं लिख पाए और मैंने कविता लिखी है फूफा जी पे, तो बड़ा कवि को। अब मुझको बड़ा कवि मान करके सुनो, ये मेरा खाने का मतलब है, बड़ा कवि मान के सुनोगे तभी तो आपको अच्छा लगेगा। और ऐसा सब ऐसे ही होता था टूंगाई करता तब फिर मजा नहीं आएगा। बड़ो कवि मान के सुनो, मैं सुनाता हूँ आपको। फूफा जी जब हम बाबूजी किसी पर कविता लिखते हैं तो ऐसे ही नहीं लिखते, हवा में बात नहीं करते, उसका अध्ययन करते हैं। हमने फूफा जी का अध्ययन किया, ये फूफा जी आखिर बला क्या है,
तो मैंने देखा कि फूफा तो हमारा एक ऐसा रिश्ता है जो हमारे परिवारों में शांति व्यवस्था कायम कराता रहता है। बहन जी ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं आपको, फूफा ही ऐसा रिश्ता है जो शांति व्यवस्थाओं की सोचता है। शादी ब्याह में बाबूजी जितने भी झगड़े होते हैं वो दूल्हे का जीजा करवाता है, जो नया नया जीजा बनता है वही कराता है। फूफा तो बेचारा आकर के बड़ा बूढ़ा आदमी होता है, आकर के शांत कराता है, बेटा शादी हो जाने दे, तुझसे पहले इस घर के जीजा हम हुआ करते थे। जो भूतपूर्व जीजा होता है ना, वही तो फूफा हो जाता है। तुझसे पहले इस घर के जीजा हम हुआ करते थे, आज फूफा हो गए हैं, कल तू भी फूफा हो जाए, शादी हो जाने दे बेटा शादी। तो वो जैसे तैसे शादी ब्याह करवा देता है, यानी शांति व्यवस्था बना देता है। और फूफा जी की सबसे पहले आवश्यकता, आदरणीय पवन भाई साहब, सबसे पहले फूफा जी की आवश्यकता पड़ी थी चक्रवर्ती सम्राट अशोक को कलिंग युद्ध के बाद। आप सब इतिहास पढ़ा है आपने, भीषणतम रक्तपात हुआ था, लाखों महिलाएं विधवा हुई थी, करोड़ों बच्चे अनाथ हुए थे, आत्महत्या करने की सोचने लगे थे अपने देश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक। तब उनके सगे फूफा तथागत गौतम बुद्ध ने उन्हें सत्य और अहिंसा से परिचय कराया, बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, आत्महत्या करने से रोका। तो मुझे लगा कि फूफा जी शांति व्यवस्था कायम कराते हैं, फूफा जी कभी झगड़े ढंग से नहीं। तब मुझे लगा कि फूफा जी शांति भी। और अब मैं सिद्ध करना चाहता हूं कि जहां जहां फूफा होते हैं वहां शांति बन जाती है, और जहां फूफा नहीं होते हैं वहां सर्वनाश हो जाता है। ये कवि सम्मेलन जासू अच्छा है वो है कि फूफा जी हैं। फूफा जी जहां होते हैं तहां मामला हो ही जाता है आनंद का। अब मैं बाबूजी सिद्ध कर रहा हूं, मेरे एक एक तर्क के साथ केवल थाकों का सफर करना, आप अगर उसमें गहराई में जाएंगे तो गहराई में अर्थ कुछ और है, लेकिन आप ऊपरे मन से देखेंगे तो मैं बिल्कुल सत्य उद्घाटित करते हुए आपके सामने से गुजरता चला जाऊंगा, और आपको लगेगा कि मैं हास्य की त्रिवेणी में स्नान करता हुआ आपको वो आनंद की अनुभूतियां करा देना चाहता हूं जिसके लिए लोग तरसते रहते हैं। सुनना सर, मैं सुनाता हूं। झगड़ा कभी नहीं करवाते, झगड़ा कभी नहीं करवाते, शांत कराते फूफा जी, झगड़ा कभी नहीं करवाते, शांत कराते फूफा जी, तत्व जिंदगी का समझाते हमें हमारे फूफा जी। झगड़ा कभी नहीं करवाते, झगड़ा कभी नहीं करवाते, शांत कराते फूफा जी, तत्व जिंदगी का समझाते हमें हमारे फूफा जी। पहला तर्क रखता हूं, महाभारत का युद्ध न होता, महाभारत का युद्ध न होता, जब जाहिरी युद्ध, महाभारत का युद्ध न होता, चीर हरण भी ना होता, समय से पहले मरे न होते अगर कृष्ण के फूफा जी। कुंती सगी बुआ थी, पांडु के मरने के बाद ये महाभारत का युद्ध हुआ, द्रौपदी का चीर हरण, सारी चीजें हुई पांडु के मरने के बाद, जो कृष्ण के सगे फूफा थे। महाभारत का युद्ध न होता, चीर हरण भी नहीं होता, यानी फूफा के अभाव में हुआ सर्वनाश। सर मैं यह सिद्ध करना चाहता हूं, अगला तर्क आपकी अदालत में ऐसे तैर जाएगा मुझे पता है। पहला तर्क थोड़ा सा जटिल था जो थोड़ा समझने में दिक्कत रही है ना। महाभारत का युद्ध न होता, चीर हरण भी ना होता, समय से पहले मरे न होते अगर कृष्ण के फूफा जी, और सीता हरण कभी नहीं होता, सीता हरण कभी नहीं होता, ना रावण यूं मारा जाता, सीता हरण कभी नहीं होता, ना रावण यूं मारा जाता, सुपरखा के पतियदि होते मेघनाथ के फूफा जी। सुपरखा के पतियदि होते मेघनाथ के फूफा जी, और जिस त्योहार की अगवानी में आप यहां बैठे हुए हैं, मैं तर्क रखना चाहता हूं और उठाना है इस कवि सम्मेलन को, फिर ऊंचा करना है इसके ठाकों के विधान को, है ना। रंगों का त्योहार न बनता, रंगों का त्योहार न बनता, रंगों का त्योहार न बनता, कभी होलिका ना जलती, रंगों का त्योहार न बनता, कभी होलिका ना जलती, हिरणाकुश के जीजा होते प्रहलाद भक्त के फूफा जी। रंगों का त्योहार न बनता, कभी होलिका ना जलती, हिरणाकुश के जीजा होते प्रहलाद भक्त के फूफा जी। ये तीन युगों से तीन तर्क मैंने आप तक पहुंचा दिए, वर्तमान के कुछ तर्कों से जोड़ना चाहता हूं, हास्य का परसेंटेज बढ़ाता हूं, ठाकों की यात्रा को और आप तक को विशाल करके आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इंदिरा जी राजीव न मरते, सुनो सर वर्तमान का तर्क, इंदिरा जी राजीव न मरते ना पीएम मोदी होते, इंदिरा जी राजीव न मरते ना पीएम मोदी होते, सोनिया के नंदोई होते राहुल गांधी के फूफा जी। फूफा अगर होता तो कांग्रेस को ऐसे सत्यानाश नहीं होता, पप्पू ही पैदा होता है फिर बिना फूफा के।
सर सही बता रहा है, अद्भुत ही हिंदी बोल लेती हैं सोनिया जी। पिछले दिनों चली गई वहाँ मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर नर्मदा पे, ये जो नर्मदा योजना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेल लगाना की चिंता नहीं कर रही है, नहीं सर इसमें व्यंग है, इसमें व्यंग है, भारतीय जनता पार्टी तेल लगाने की चिंता नहीं करती है, उसे जरूरत नहीं है कि तेल लगाए कोई हमारे, हमें तो जो करना है कर ही देंगे, नोट बंद करने हैं तो कर देंगे, पूछेंगे नहीं कहूंगे, तेल लगाए की हमें जरूरत ना है, ट्रंप ब्रंप के दोस्त बन के आवे तो आ जा साले यहाँ पर। अच्छा बाबू जी एक बात बताऊँ बहुत मजेदार, ट्रंप जब आगरा में आए तो पुलिस वाले रिक्शा वाहन में एक एक अंग्रेजी को क्वार्टर दे रहे, सही भवानी से सही बात बता रहा हूँ, एक एक हाँ रिक्शा वाले तो घूमते रहते हैं गलियों में, एक एक क्वार्टर दे रहे। मैंने एक पुलिस वाले से पूछी भाई साहब क्यों ये क्वार्टर क्यों बांट रहे हो, सरकार की तरफ से बट रहे हैं, बोले हाँ सरकार की तरफ से ही बट रहे हैं, मोदी जी की तरफ से बट रहे हैं। तो मैंने कहा रिक्शा वाले नहीं बट रहे, बोले हाँ जी देश की बेइज्जती करा सकते हैं बिना पिए, हिंदी बोलेंगे बिना पिए जी। पीवे के बाद तो जो सब फिर अंग्रेजी बोले, देश को मस्तक ऊंचा है जाए। सर मैं पकड़ता हूँ बात को, सर सही बता रहा हूँ बहुत बहुत। सर बाबू जी सुनो आप मतलब अंत में मुश्किल से एक डेढ़ मिनट को काम है बस, नहीं डेढ़ मिनट में ये कविता मेरी पूरी हो जाएगी। सुनो आप बहुत जोरदार बात सुना रहा हूँ आप, इंदिरा जी राजीव न मरते ना पीएम मोदी होते, सोनिया के नंदोई होते राहुल गांधी के फूफा जी, और फिर अब ठाके को फिर रोकना। इस पर बाबूजी आप सबसे ज्यादा हंसेंगे, पूरे कवि सम्मेलन में इतने नहीं हंसे हैं, उससे ज्यादा अगर आपके मन करे हंसने का तो फिर आप हंसी को रोकिएगा मत। इंदिरा जी राजीव न मरते ना पीएम मोदी होते, सोनिया के नंदोई होते राहुल गांधी के फूफा जी, और ये 2019 की बात है, बिल्कुल बेईमानी लगती है जो 303 सीटें ले आए हो, 2019 की बातें बिल्कुल बेईमानी लगती, 2019 की बातें ठाके के लिए तैयार रहना, 2019 की बातें बिल्कुल बेईमानी लगती, मायावती के पति यदि होते यादव अखिलेश के फूफा। बाबूजी केवल पूरी कविता बाबूजी, असल में क्या है कि कविता के बीच में से आप जा रहे हो, मुझे चाबी तो कविता शुरू हो रही है सर, प्लीज प्लीज सर हम अच्छा नहीं सर मुझे आखिरी बस आखिरी बंदा नहीं मैं भाग करके पीछे चला जाऊंगा। और इस समय सोती हुई शेरनी को जगाने से अच्छा है कि यही आत्महत्या कर लो। सुना बस अब तो आनंद के ठाके अब तो शुरू है ना ऐसा है ना, मायावती के पति यदि होते यादव अखिलेश के भूपा जी, बुआ तो क्वारी बैठी है। बुआ तो क्वारी बैठी है ये सारा देश जानता है, बुआ तो क्वारी बैठी है ये सारा देश जानता है, बुआ केवल हां कर दे तो लाख मिलेंगे भूपा जी। बुआ केवल हां कर दे तो लाख मिलेंगे फूफा जी, और कई बार फूफा जी का चुनाव गलत हो जाता है तब भी सर्वनाश की संभावनाएं बनी रहती हैं बाबूजी, और ध्यान रखना फूफा जी का चुनाव कभी गलत मत करना भूल के भी, नहीं हालत ऐसी हो जाएगी जैसी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अडवाणी जसवंत सिंह की तब से ही मिट्टी खराब है, सुनना सर, अडवाणी जसवंत सिंह की गलत चुनाव किया फूफा का, मैं केवल यह संकेत देना चाहता हूं आपको, गलत चुनाव कभी मत करो। अडवाणी जसवंत सिंह की तब से ही मिट्टी खराब है जब से उनने समझ लिया था उस जिन्ना को फूफा जी। वाह 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 वाह, पाकिस्तान जाके जिन्ना की समाधि पे फूल चढ़ा के आए तो ऐसा लगा कि अपनी समाधि पे चढ़ाए आए।
और मोदी जी हमारे बहुत अच्छे आदमी हैं, दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन हर बड़ी सभा में अडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी को बुलाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, सामने बैठा लेंगे ऐसे ही, और फिर लोगों से कहेंगे भाइयों बहनों आज मैं जो कुछ हूं इनकी वजह से, इनकी वजह से, और ये जो भी कुछ है आज यानी कि तुम जिन्ना की जय बोलोगे और ये देश माफ कर देगा, मोदी से मतलब नहीं है, ये देश माफ नहीं करता साहेब, आजादी की लड़ाई में जिसने जितना योगदान दिया उसको उतनी इज्जत मिली है, उदाहरण के लिए देख लो गांधी जी का चित्र तो 2000 के नोट पे भी है, और नेहरू जी को कुल 98 मिली है सर प्रैक्टिकल बातें करता हूं, कहीं ऐसे ही थोड़े बात करता हूं, अडवाणी जसवंत सिंह की तरफ से ही मिट्टी खराब है, जब से उनने समझ लिया था उस जिन्ना को भूपा जी, और आज हम खाकी बुरी फजीयत योगी राज में ना होती, व्यंग समझने वालों का ठाका चाहता हूं, आज हम खाकी बुरी फजीयत योगी राज में ना होती, हाथ जोड़कर अमित शाह को यदि वो कहता भूपा जी वाह वाह हाथ जोड़कर अमित शाह को यदि वो कहता भूपा जी, और मोदी तो मन के फकीर है, 2019 में क्यों दोबारा प्रधानमंत्री बना दिया, इस बात को मैं सार्थक करता हूं, और तालियों की मोहर आप लगा देना, मोदी तो मन के फकीर है, झोली डाली चलना दे, इसलिए दूसरी मर्तबा हमने चुन लिया फूफा जी, इसलिए दूसरी मर्तबा हमने चुन लिया फूफा जी। और बहनों सुनना, मैं आपको एक नसीहत देना चाहता हूं, उन महिलाओं की इज्जत हर एक घड़ी खतरे में है, किसी आसाराम को राम रहीम को दोष मन देना साहेब, उन महिलाओं की इज्जत, उन महिलाओं की इज्जत हर एक घड़ी खतरे में है जो आश्रम और गुफा वालों को समझ रही हैं फूफा, और सर सुनना एक भविष्यवाणी और करके जा रहा हूं, मोदी जी तक पहुंचा देना आप, मोदी जी से नम्र निवेदन 15 लाख जल्द भिजवाओ मोदी जी से नम्र निवेदन, सर उन्होंने वादा किया था 15 लाख खाते में भिजवाएंगे, तुम का सोच रहे हो ऐसे ही छोड़ देंगे हम, भिजवाओगे नहीं हो तुम्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे हम, मोदी जी से नम्र निवेदन 15 लाख जल्द भिजवाओ, वरना 2024 में तुमको फिर चुन लेंगे भूपा जी, वरना 2024 में तुमको फिर चुन लेंगे भूपा जी। और ये कविता मेरी अच्छी है, ये कविता मेरी अच्छी है, तो छोटो सो एक निवेदन है, दोनों हाथ उठा के अपने ताली ठोको भूपा जी, दोनों हाथ उठा के फिजाओं को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी मुसाफिर है हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी।